गुरु तेग बहादुर मैदान पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कार्यक्रम स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर सोशल मीडिया पर अलग से यातायात प्लान जारी किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस साल हरियाली तीज उत्सव को भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया था। महिलाओं में भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में पहुंची महिलाएं झूला झूलती हुई भी नजर आई। पानीपत में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 25,000 महिलाओं के पहुंचने के लिहाज से प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। तीज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 101 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया और तीज को कौतली प्रदान कार्यक्रम की विशेष बात रही कि इसमें वही पुरुष प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें प्रशासन की ओर से आई कार्ड उपलब्ध था और वही अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए जिन्हें अंदर जाने की अनुमति थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसके बाद गीत संगीत और रंगारंग कार्यक्रम से समारोह सराबोर हो गया। कार्यक्रम स्थल पर मातृशक्ति के बैठने के लिए 20,000 से ज्यादा हरे रंग की कुर्सियों की बेहतरीन व्यवस्था भी की गई थी, तो वहीं खान पान के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। आज यह तीज का त्योहार, तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा, जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें। ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा, इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली बतासे गुलगुले हों और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभकामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं यहाँ। तस्वीरें देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शानदार व्यवस्था की गई थी। नारी शक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।